ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सियासत राजनीति किसे कहते हैं? पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग ठिकानों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसकी चर्चा आप खबरों में टीवी चैनलों पर सुना होगा। बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो आप सबको पता होगा, एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाए तो क्यों जाएगा, वो भी आपको पता होगा। बहरहाल ये नेताओं का काम है, जिसका पल्ला भारी दिखता है उसी पार्टी में जाकर लटक जाते हैं, चाहे वो डर से, चाहे वो बिजनेस करने की नीयत से, मगर मौका मिलते ही छलांग लगा देते हैं। मुमरा की अगर हम बात करें तो आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, मुमरा की सियासत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र हवाड, जो कलवा मुमरा के विधायक हैं, वही उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता बिजनेस और पैसा कमाने में लगे हैं, जिसकी वजह से विधायक की बुनियाद अब खोखली हो रही है। यही नहीं, विधायक अहवाड के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो विधायक अहवाड के विरोधी हैं, उनसे घबरा कर या डर से चापलूसी करते हैं, जिसका परिणाम 2019 विधायक के चुनाव में विधायक अहवाड को देखने मिलेगा। इससे पहले विधायक अहवाड को चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को बिजनेस सेंटर खोल दे, ताकि कार्यकर्ता बिजनेस करें और बिजनेस के बाद मुमरा की राजनीति करें। नहीं तो इससे ये साफ होता है, अगर मुमरा में अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होती तो ये नेता एनसीपी को छोड़कर अपोजिशन पार्टी में शामिल हो जाते थे। एक बात ये भी है, जब तक ये नेता बैनरबाज पांव पैदल थे तो जितेंद्र आवाज के कहने पे चलते थे, उनके सच्चे कार्यकर्ता थे, लेकिन जिस दिन से इनके पास बड़ी बड़ी कार गाड़ियां आ गई हैं, उस दिन से अपनी कैरियर की रोटी सेक रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर साहब की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपने देखा होगा मुमरा में इन लीगल बैनरों की तस्वीर, बैनरों से पूरा मुमरा पाट देते हैं। ये बैनर नहीं लगाते हैं, बल्कि ये दिखावा करते हैं जितेंद्र हवाट को, जो विधायक हैं उनको कितना मानते हैं, उनको कितना चाहते हैं, ये बताते हैं हम साहब के कितना खासम खास हैं। आपने हमेशा देखा होगा मुमरा में दिखावे की होड़ लग जाती है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं अपने आप को बड़ा नेता होने की, तो ये उनका भूल है। उनको तो उनके गली में भी कोई नहीं पूछता है। बहरहाल मुमरा में बैनर लगाने की शर्तें लगती हैं और लगाई भी जाती हैं। साहब को खुश भी किया जाता है, साहब खुश भी हो जाते हैं, लेकिन साहब को खुश नहीं, खोखला कर रहे हैं उन्हीं के कार्यकर्ता। और विधायक को चाहिए बिजनेस सेंटर खोल दें, ताकि उनके कार्यकर्ता यहाँ वहाँ दलाली ना करें। अगर ऐसा ही मामला चला तो विधायक अहवाड को पूरी तरह से उन्हीं के कार्यकर्ता खोखला कर देंगे, और आने वाला विधायक के चुनाव में उन्हें देखने को मिलेगा। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता एनसीपी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, कहीं ना कहीं अब एनसीपी का पिल्लर कमजोर होती नजर आ रही है, और ऐसे में विधायक अहवाड की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसका कारण होगा उनके कार्यकर्ता, जो घबरा कर डर से चापलूसी कर रहे हैं, करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।